फोर्स्ड रिलेशनशिप लगता है उनका। मुझे लगता है कि किसी ना किसी वजह से फोर्स जरूर किया जा रहा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इट्स लाइक अ रियली शॉक फॉर मी कि कौन कितना ज्यादा रियल है कि क्या वहां पर, एंड किसने ज्यादा रियल रिश्ते बनाए। सबसे पहले टेली मसाला में आपका स्वागत है। इविक्ट हो गए हैं घर से, और जिस तरह से एविक्शन हुआ आपका, मुझे लगता है काफी इमोशनल था। घर वालों को तो सैड लगा ही, फैंस को भी सैड लगा, क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि अगर रहती है बात सिर्फ और सिर्फ एविक्शन की, तो वो तो आज नहीं तो कल होना ही था, मेरा नहीं तो किसी का तो होना ही था। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा रियल है कि क्या वहां पर, एंड किसने ज्यादा रियल रिश्ते बनाए। तो रहती है बात कनेक्शंस की, तो मुझे लगता है कि मैंने काफी कनेक्शंस जितने कायदे से नेचुरल लाइफ में एक दो महीने में जितने रियल कनेक्शन बन सकते हैं मैंने बनाए, एंड बिल्कुल अनइंटेंशनली। मैंने बिल्कुल भी किसी पर्पस से वो रिश्ते नहीं बनाए, चाहे वो दोस्ती का हो या चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो। तो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया, बिकॉज इन दी एंड एज दे से बिग बॉस इज अ रियलिटी शो, एंड रियलिटी शो के अंदर मैंने जरूरी समझा कि मैं रियल रहूं, रियल कनेक्शन बनाऊं, और जो लोगों को दिखता है जिनके साथ मैं रिलेट कर पाता हूं वो उन्हीं को देखें, रादर देन यू नो कि मैं दिखाऊं फालतू में फेक करके कि मेरा इसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड जितना भी था एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट था, एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल था, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा उस एक्सपीरियंस से। तो अगर ऐसा एलिमिनेशन हुआ कि लोगों की आंखों में आंसू आए, तो मैं माफी मांगना चाहूंगा उनसे कि आई एम सॉरी मैंने आपको रुलाया। लेकिन आने वाले पलों में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रोना हंसना जिंदगी का हिस्सा ही है, लेकिन सच को अपनाना हमारी मर्जी होती है। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं खुश सिर्फ तभी आपको दिखूंगा जब तक मैं अपने जुनून को हासिल कर रहा हूँ, जो कि है एक्टिंग। तो अगर आप मुझे कोई ऐसा किरदार निभाते हुए देखें जिसको मैं वाकई में निभा रहा हूँ, एंड तब मैं आपकी आंखों में आंसू लेकर आ पाऊँ, तो वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा रादर देन यू नो एक गेम से अगर मैं विक्ट हो जा रहा हूँ। तो हारना जीतना ही गेम के अंदर लगा रहता है, एंड फॉर अ शो लाइक बिग बॉस मेरे लिए हारना जीतना वाकई में कोई मायने नहीं रखता था, बिकॉज मुझे रियल रहना था, एंड मेरे को बस ये देखना था कि लोगों को क्या रियल लोग पसंद आते हैं, या लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो कि गेम खेलते हैं, जो कि पॉलिटिक्स करते हैं, या जो ऐसे बंदे हैं जो कि वो है ही नहीं। तो आई थिंक आंसर अब हम सबके सामने क्लियर है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी एक्टिंग के साथ ही स्टिक करना बेटर समझूंगा, एंड उसी के अंदर एक्सेल करना बेटर समझूंगा। ओके, ज्यादा हो गया। ओके ओके ओके, आपसे ये जानना चाहूंगी, तेजरान को लेकर बहुत बात होती है, तेजस्वी करण समवेयर और द अदर वे दे हैव ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। आपको क्या लगता है कि घर के अंदर रियल में किस तरह से उनका इक्वेशन है, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या है वो? I'll really be honest again. मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही क्यूट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के करण भाई हैं पर्टिकुलर, मैं उनको देखता नहीं हूँ कि लाइक वो तेजस्वी बहुत ही प्यारी लड़की है वो भी, लेकिन मुझे दोनों की ना कहीं वाइब मैच होती है नजर नहीं आती, तो मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड रिलेशनशिप लगता है उनका। मुझे लगता है कि किसी ना किसी वजह से फोर्स जरूर किया जा रहा है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड, दैट्स लाइक रियली नाइस थिंग्स आर वर्किंग वेल फॉर देम। लेकिन जब मैं करण भाई को देखता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तेजस्वी हेयर, जबकि शी इज अ रियली नाइस गर्ल, आई लव हर एज अ पर्सन, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ करण भाई की बात करूँ और इनके एक्सपीरियंस को देखूँ, तो मैं कहीं ना कहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जितना मैं उनको जानता हूँ, हाउ कैन ही यू नो फॉलो अ गर्ल लाइक for a girl like Tejasri, because वो completely different background से आते हैं। Tejasri एक strict मराठी लड़की है जो कि you know बहुत ही चुलबुली है और इस तरीके है, while करण भाई is towards a little more classy, and उनको वो उनका background एकदम अलग है, and उनका experience life को लेके एकदम अलग है। but जब ये दोनों मिलते हैं तो it's like a really shock for me. ये दोनों आपस में आखिर बात करते हैं तो करते कैसे हैं,
मुझे समझ नहीं आता व्हाट द टॉपिक बिहाइंड देम एक्सेप्ट फॉर बैग बिचिंग आई डोंट नो व्हाट एल्स कुड दे डू सीरियसली.